दोस्तों, अगर आप भी YouTube पे नए आए हो और दोस्तों आपको YouTube वीडियो का थंबनेल बनाने नहीं आता है तो दोस्तों आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बस दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि YouTube वीडियो का थंबनेल कैसे बनाया जाता है, वही आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों मैं आपको इतना ईजी तरीके से सिखाऊंगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो दोस्तों आपको भी थंबनेल बनाने आ जाएगा, आपको थंबनेल बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको थंबनेल के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो दोस्तों आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बस दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में आपको थंबनेल बनाने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको नहीं आता है तो यार इस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% मेरी गारंटी है आपको भी थंबनेल बनाने आ जाएगा। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग साइड में कल के वीडियो का कमेंट्स में देख लीजिए और जाइए दोस्तों भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई के चैनल का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा और मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिया है। तो जल्दी से जाइए दोस्तों भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट टाइम आप भी इसी तरीके से विनर बनना चाहते हो और अपने चैनल का फ्री में प्रमोशन करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंपल से आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और साथ में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चले जाना है नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और दोस्तों वहाँ पे आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आप भी विनर आते हो तो आपके भी चैनल का प्रमोशन मैं इसी तरीके से कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों YouTube वीडियो का थंबनेल बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने फोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों पिक्सेल ऐप। ठीक है, आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अब कैसे करना है तो देखिए दोस्तों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल से अपने फोन के प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपल से आपको सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों वहां पे आपको टाइप करना है पिक्सेल ऐप और आपको सर्च कर देना है। अब सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन आ जाएगा तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे दोस्तों मैंने पहले से कर रखा है तो आप लोग कर लीजिएगा। अब करने के बाद दोस्तों सिंपल से आपको अपने फोन में पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं अपने फोन में पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ और ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हो। अब दोस्तों यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है, दोस्तों यहां पे जो आपको न्यू टेक्स्ट जो आपको लिखा दिख रहा है दोस्तों आपको सबसे पहले इसे हटा देना है। हटाने के लिए दोस्तों यहां पे आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा तो सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे आपको सिंपल से हटा देना है। अब हटाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है, दोस्तों यहां पे आपको यूट्यूब थंबनेल का जो रेशियो होता है वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे आपको एक थ्री डॉट का आइकन मिल जाएगा तो बस आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इमेज साइज का, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो सिंपल से आपको इमेज साइज ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कस्टम पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से YouTube थंबनेल सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको YouTube थंबनेल नहीं सिलेक्ट करना है। दोस्तों अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो दोस्तों आपका जो थंबनेल है वो फुल HD में बनेगा, लेकिन दोस्तों अल्ट्रा HD में बनाने के लिए आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पे जो आपको रेशियो दिख रहा है सिंपल से आपको इसे हटा देना है। ठीक है, आपको इस रेशियो को हटा देना है और यहाँ पे आपको लिख देना है 7680। ठीक है, आपको इतना लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। अब डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो 720 लिखा दिखाई दे रहा है सिंपल से आपको इसे हटा देना है। हटाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है 34320। ठीक है, आपको इतना लिख देना है। लिखने के बाद आपको सिंपल से डन कर देना है। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, इतना आपको रेशियो रखना है। और अब रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल से ओके पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो यूट्यूब थंबनेल का जो रेशियो होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आप जो भी थंबनेल बनाओगे वो आपका अल्ट्रा HD में बनेगा। ठीक है, अब कैसे आपको थंबनेल बनाना है दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों आपको थंबनेल बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कलर सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप जिस प्रकार का अपने थंबनेल में कलर रखना चाहते हो वो कलर आपको सिलेक्ट करना है। तो कलर सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा तो सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कलर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारा कलर मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको ग्रीन मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा, यहाँ पे ब्लू मिल जाएगा, यहाँ पे ब्लैक मिल जाएगा, बहुत सारा कलर आपको मिल जाएगा। अगर आपको दोस्तों कलर नहीं यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे प्लस का आइकन मिल जाएगा तो सिंपल से आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हर कलर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने जो भी पसंद का कलर रखना चाहते हो वो आपको रख लेना है। अगर दोस्तों आप मिक्स कलर रखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर रख सकते हो। दोस्तों यहाँ से मैं ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आपको जो कलर अच्छा लगेगा वो कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सिंपल से आपको डन पे क्लिक कर देना है। अब डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब व्हाइट कलर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पेन का जो साइज है इसे थोड़ा कम कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 7 रखना है। ठीक है, और रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फील इनसाइड का तो आपको इसे इनेबल कर देना है।
अब इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है और कुछ इस प्रकार से आपको घुमा देना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से घुमा देना है। घुमाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो शेप है वो बन जाएगा। बनने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल सी डन पे क्लिक कर देना है। अब डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों आपको सिंपल सी इसे थोड़ा रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग ध्यान से थोड़ा इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा और इसे रोटेट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो यह हमारा एडजस्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आप चाहिएगा तो इस शेप का आप कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। नीचे यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हो। येलो ब्लू आप जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं येलो रख लेता हूँ। येलो रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों नीचे आपको स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शैडो का, तो सिंपल से आपको शैडो पे क्लिक कर देना है और शैडो को इनेबल कर देना है, ठीक है। अब इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा शेप का जो शैडो है वो इनेबल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप चाहिएगा तो शैडो का भी कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको चेंज नहीं करना है, आपको शैडो का कलर ब्लैक ही रहने देना है, ठीक है। अब रहने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल से डन पे क्लिक कर देना है। अब डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको शेप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारा शेप मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारा शेप मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी शेप अच्छा लगेगा वो शेप आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं ये वाला शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल से डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक लेयर का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इन दोनों शेप को आपको लॉक कर देना है, ताकि दोस्तों ये हिल रोल ना करेगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पे जो आपको आपका जो शेप दिख रहा है इसे आपको सिंपल से कुछ इस प्रकार से आपको नीचे इसे एडजस्ट कर देना है। अब एडजस्ट करने के बाद दोस्तों ये शेप नीचे चला जाएगा। अब आने के बाद दोस्तों इसे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं इसे लॉक हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लॉक हटा देता हूँ। हटाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोग भी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से इसे लॉक कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं लॉक कर देता हूँ। अब लॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे सेफ है वो सेट हो जाएगा। अब सेट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप अपने थंबनेल में जो भी फोटो लगाना चाहते हो वो फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन दोस्तों आपका फोटो PNG में होना चाहिए, तभी दोस्तों आपका फोटो लगेगा। जैसे दोस्तों यहाँ से मैं अपना कोई भी एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं कोई भी अपना एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाला फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो दोस्तों मेरा जो फोटो है वो PNG में, ठीक है। तो दोस्तों आपको भी अपने फोटो को PNG में कन्वर्ट कर लेना है। अगर नहीं करना आता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब कन्वर्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपल से डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इसे एडजस्ट कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा अपना यहाँ पे फोटो को लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं ये वाला जो इफेक्ट यहाँ पे शैडो है इसको मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। दोस्तों आप लोग भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ तरीका बता देता हूँ कैसे आपको थंबनेल बनाना है। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों अब यहाँ पे आपको अपने थंबनेल में टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। आपके वीडियो का जो भी टॉपिक है आप अपने थंबनेल में जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो आपको लिखना है। लिखने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे एक आइकन दिख जाएगा, तो सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट लिखा आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट जो आपको लिखा दिखाई दे रहा है आपको इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों अब आप अपने थंबनेल में जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो टेक्स्ट आपको लिख देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे जैसा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इसे आपको जूम कर देना है। अब जूम करने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना फॉन्ट चेंज कर देना है, ठीक है। टेक्स्ट का जो फॉन्ट है उसे आप चेंज कर देना है, उसको चेंज कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत सारा फॉन्ट मिल जाएगा, तो यहाँ से मैं ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आप चाहो तो दोस्तों एक्स्ट्रा फॉन्ट भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। और अब ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों आपको टेक्स्ट का जो कलर है उसे चेंज करना है, ठीक है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कलर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कलर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ से मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल से डन पे क्लिक कर देना है।
अब डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको शैडो का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से डन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, तो इसे भी आपको इनेबल कर देना है, ठीक है। अब इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो चुका है। अब एडजस्ट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक पेंसिल का आइकन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो हमारा टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसे आपको एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको फिर से एडिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको मेरे जैसा लिखा दिख रहा है इससे आपको डिलीट कर देना है। अब डिलीट करने के बाद दोस्तों आप दूसरा जो टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थंबनेल, तो आप लोग भी दूसरा टेक्स्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थंबनेल। अब थंबनेल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ आपको डन पे क्लिक कर देना है। अब डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इसको आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करना है, जैसे यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा। अब एडजस्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर देना है, ठीक है। तो कलर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारा कलर मिल जाएगा, तो आप जो भी कलर रखना चाहते हो वो आपको कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों मैं रेड कलर रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रेड कलर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से डन पे क्लिक करना है। अब डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पे जो आपको स्टोर का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों स्टोर को आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। अब ऑफ करने के बाद दोस्तों फिर से आपको डन पे क्लिक करना है। अब डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो शैडो का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको शैडो को भी ऑफ कर देना है, ठीक है। अब ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगा है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से डन पे क्लिक कर देना है। अब डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब एडजस्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे आपको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको टेक्स्ट पेंसिल का जो आइकन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने से होगा क्या कि दोस्तों आपको बार बार फॉन्ट चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से आपको कुछ इस प्रकार से इससे आपको नीचे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो थंबनेल लिखा दिखाई दे रहा है इसे आपको हटा देना है। हटाने के बाद दोस्तों आप तीसरा जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो लिख देना है, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बनाए, ठीक है, मेरे जैसा थंबनेल बनाए बनाना सीखे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बनाना सीखे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बनाना सीखे, ठीक है। आपका जो भी दोस्तों टेक्स्ट है वो आपको लिख देना है, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो आपको लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इसे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको कलर वाला ऑप्शन पे चले जाना है। अब आने के बाद दोस्तों इसका आपको कलर चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से इसका कलर, आपका जो भी कलर आपको अच्छा लगेगा वो कलर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। आप चाहे तो इसका यहाँ पे साइज छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। अब करने के बाद दोस्तों फिर से आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे लॉक का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और इसे लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं दो थंबनेल यहाँ पे मैं अपना एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आपको इस शेप को आपको रख लेना है। रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूरा इसका जो रेडियस है आपको इस प्रकार से कर देना है, ताकि इसका जो कर्व है वो गोल हो जाएगा। अब होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब एडजस्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको कुछ इस प्रकार से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसे इसका जो शैडो है वो इनेबल कर देता हूँ, ताकि दोस्तों देखने में ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे इसका जो शैडो है वो देखिए यहाँ पे मैं इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर देता हूँ। लेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। अब डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है।
तो आप लोग भी कर लीजिएगा। अब स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन आइकन दिख जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जो भी थंबनेल उस शेप में लगाना चाहते हो उस थंबनेल पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग भी बना लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको बनाना आपको खुद से है, मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं ये वाला थंबनेल यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। अब डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो थंबनेल है यहाँ पे सेट हो चुका है। अब सेट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल से डन पे क्लिक कर देना है। अब डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से इसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा लॉक है, तो यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब दोस्तों आपको दूसरा शेप पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है। अब स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको टेक्सचर का ऑप्शन मिलेगा, तो फिर से आपको टेक्सचर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप दूसरा जो भी फोटो लगा यहाँ पे अपने थंबनेल में फोटो रखना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ से मैं दूसरा थंबनेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ये वाला थंबनेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। अब डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा बिल्कुल यहाँ पे सेट हो चुका है। अब सेट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अपने थंबनेल में यूट्यूब का लोगो लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको क्रोम ब्राउज़र गूगल पे आपको बहुत सारा लोगो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको वाटरमार्क वाला जो लोगो होता है वो आपको डाउनलोड नहीं करना है, तो दोस्तों आपको कॉपीराइट भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग वो फोटो डाउनलोड देख लीजिएगा, उसमें वाटरमार्क नहीं रहेगा तो ही आप लोग लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से चलिए दोस्तों यहाँ से मैं यूट्यूब लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, मैं ये सारा चीज़ आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा। चलिए यहाँ से मैं ये वाला लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ये वाला लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कलर दिख रहा है, तो इसे आपको हटाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आपको स्क्रॉल कर देना है। अब स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये वाला एक ऑप्शन दिख जाएगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको ब्लैक कलर सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। अब डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा जो ब्लैक कलर है वो साइड हो जाएगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों आप अपने यूट्यूब लोगों को जहाँ पे भी सेट करना चाहते हो वहाँ पे आपको सेट कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैं रोटेट करके यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग जहाँ सेट करना चाहते हो वहाँ पे कर लीजिएगा। अब करने के बाद दोस्तों मान लीजिए आपको इस लोगो को आपको दोबारा लगाना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको फिर से लोगो ये लेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो यूट्यूब का लोगो है वो कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी होने के बाद आप यहाँ पे फिर से यहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे इस प्रकार से आप इसे लगा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो थंबनेल है वो रेडी हो चुका है। बाकी दोस्तों आप जिस तरह से आप अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो लिख लीजिएगा, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों आपको इस थंबनेल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आइकन मिलेगा, तो सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज प्रोजेक्ट का, और दूसरा आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज इमेज का। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल से आपको सेव एज इमेज पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव टू गैलरी का, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके यहाँ से अल्ट्रा सिलेक्ट करते हैं, आपको अल्ट्रा सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिंपल से सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा जो थंबनेल है वो हमारे फ़ोन में सेव हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा क्योंकि दोस्तों हमारा जो थंबनेल है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, ठीक है, बन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा सेव होने में, तो यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेव हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको वो थंबनेल दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपने फ़ोन के गैलरी एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों मेरे फोन में वो थंबनेल सेव हो चुका है, तो दोस्तों आपका भी थंबनेल सेव हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जो थंबनेल बना है वो थोड़ा सा भी नहीं फटेगा, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों हमारा जो थंबनेल है वो कितना अच्छा क्वालिटी में बना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं इतना भी जूम कर देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे इसका टेक्स्ट नहीं फट रहा है। तो दोस्तों आपका भी थंबनेल कुछ इस प्रकार का अच्छा क्वालिटी में बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने YouTube वीडियो के लिए थंबनेल अच्छा क्वालिटी में बना सकते हो, जो कि दोस्तों मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है। दोस्तों मैंने जो आपको तरीका बताया है, दोस्तों इस तरीके से अगर आप अपना YouTube वीडियो के लिए थंबनेल बनाते हो तो दोस्तों आपका जो थंबनेल है वो अल्ट्रा एच डी में बनेगा। दोस्तों आपका थंबनेल थोड़ा भी नहीं फटेगा, ठीक है। अगर आपका थंबनेल डिजिटल बोर्ड पर भी जाता है तो थोड़ा सा भी नहीं फटेगा, ठीक है। दोस्तों आप इस तरीके से अपने यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हो, जो कि दोस्तों मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया है, दोस्तों दिमाग आपको खुद से लगाना है, ठीक है। आपको अपना थंबनेल खुद से क्रिएट करना है, आपको किसी का कॉपी नहीं करना है। मैंने आपको तरीका बता दिया है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग
कमेंट्स में बताइएगा, या दोस्तों आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे उसका सोल्यूशन बता दूंगा। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आप लोग पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया हो तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आगे भी आपको ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।